नमस्कार, मैं अमिय कुरैशी, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां, आम आदमी पार्टी का प्रेस वार्ता में छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निरस्त हुई भर्ती तथा रोजगार मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार नौजवानों को गुमराह कर रही है। सरकार यह नहीं समझते कि छात्र नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, उसके पास पैसा कहाँ से आता है। और तो और किसी के पिता मजदूरी करते हैं तो किसी के पिता रिक्शा चलाकर पैसा कमाते हैं। सरकार सिर्फ जनता से पैसा खींचती है। जी हां, आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रोजगार के मुद्दे को लेकर पार्टी के छात्र विंग प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। कहा कि सरकार सिर्फ नौजवानों को गुमराह कर रही है, नौकरी देने के नाम पर झांसा दे रही है। और तो और, सरकार के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हमने 1.5 करोड़ से भी ज्यादा नौकरी दी है। यह सब अधिकारी के बहकावे में ही रह जाते हैं। और तो और, ग्राम अधिकारी 2018 बैच की नौकरी को लेकर तमाम छात्र भी मौजूद रहे, जिसमें छात्रा ने बताया कि हमने फॉर्म भरा और एग्जाम भी दिया, लेकिन सरकार ने उसको निरस्त कर दिया बिना किसी जांच के। ऐसे में सरकार सिर्फ हम लोगों को भ्रमित कर रही है। 28 अगस्त को रिजल्ट आता है, उसके बाद भी काफी जांच के बाद ये रिजल्ट आता है, उसके बाद भी टीवी डेट जारी करने में ये बहुत समय लेते हैं। उसका रीजन बताते हैं कि जाँच चल रही है, मैनुअल जाँच करा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो जाँच चल रही है। उसके बाद फिर डीवी डेट भी जारी हो जाती है, डीवी कुछ 120 लोगों का डीवी भी हो जाता है। उसके बाद एसआईटी बता देते हैं हमें 20 जून को, कोरोना काल की वजह से वो डीवी स्थगित हो जाती है। फिर उसके बाद एक नई नोटिस निकल के आती है कि एसआईटी लगती है, ठीक है, हम उसका भी वेट करते हैं। एसआईटी में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि नहीं कोई 1953 में कितने लोग फ्रॉड थे या कुछ ऐसा नहीं बताया गया, बस एक दिन नोटिस आती है कि आपकी परीक्षा निरस्त कर दी गई। अगर एसआईटी लगती है किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें हम फेयर कैंडिडेट की क्या गलती है, हमारी क्या यही गलती है जो हमने पेपर दिया था। देखिए, इस पूरे 18 की जो अभ्यर्थी हैं आपके बीच में हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, अपनी पीड़ा को रखेंगे कि किस तरीके से सरकार ने उनको ठगने का काम किया। हमारे बीच में अभ्यर्थी हैं, आप अपनी बात रखिए। उन्होंने तमाम तरीके की नौकरियां छोड़ी जहां उनकी नौकरियां लग चुकी थी। तमाम मैसेजेस आ रहे कल से, किसी के पिताजी मजदूरी करते थे, किसी के पिता ने अपना खेत गिरवी रखा था, कोई बच्चा 5 साल 6 साल 10 साल से इलाहाबाद मेरठ लखनऊ में तैयारी कर रहा था, 8x10 के कमरे में तैयारी कर रहा था, आज वो अवसाद ग्रसित हो गया। तमाम नौजवानों से रिपोर्ट मिल रही है कि आगरा में, इलाहाबाद में और तमाम जनपदों में हमारे कुछ अभ्यर्थी जो इस भर्ती से जुड़े हुए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरी सरकार से एक निवेदन करता हूं आप सब चैनल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि हो सकता है इस बार उसकी तैयारी नहीं रही। लेकिन आपका ये जो रवैया है, जब अपने सपने को साकार करने के लिए दरवाजे पे खड़ा था, जब दरवाजे पे खड़ा था कि उसका सपना साकार होने जा रहा है, उसके माँ बाप के अरमान पूरे होने जा रहे हैं, उन अरमानों का कत्ल करने का काम आपकी सरकार ने किया है। तो जिस तरीके से 12 भर्तियां सरकार ने निकाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, और जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भर्ती थी ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की, मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जो एसआईटी की जांच आपने बैठाई, उसके पहले जो 1553 नौजवानों का सत्यापन शुरू हुआ था, उनको आप जो है नियुक्ति देने का काम करें, उनके साथ आप कोई भेदभाव करने का काम कतई मत करें। दूसरा, 12 भर्तियां निकाल के 51 लाख नौजवानों से जो आवेदन लिया आपने, और आज सारी की सारी भर्तियां जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित पड़ी हुई हैं विभिन्न कारणों से, मैं आज सरकार से मांग करता हूं कि तमाम भर्तियों की कोर्ट मॉनिटर जांच की जाए और टाइम बाउंड उसमें की जाए कि इतने दिनों के अंदर ये जांच पूरी होगी, और जो भी भर्ती हैं उनसे जुड़े जो भी मंत्रालय हैं उन तमाम मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस भर्ती में एक तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं, उसको उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। दूसरा, जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, उनका 1000 1500 2000 रुपये खर्चा हुआ,
उन नौजवानों को आपको पुनः निशुल्क ये भर्ती निकाल के उनसे आवेदन लेना चाहिए, उनका पुनः निशुल्क परीक्षा करानी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि सरकार की मंशा किस तरीके से नौजवान विरोधी है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जिनके कंधे पर बैठ के सरकार सत्ता में पहुंची, उनको किस तरीके से सरकार गुमराह कर रही है। 29 अगस्त को 28 अगस्त को नौजवानों का रिजल्ट आता है, इस भर्ती के लिए रिजल्ट आता है, और ठीक 29 अगस्त को जो हमारे ग्राम विकास मंत्री जी हैं मोती सिंह जी, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है और ये मांग की जाती है कि इस रिजल्ट का जो है एक बार फिर से रिवाइज होना चाहिए। रिजल्ट जो है, जो परिणाम आया है, इसका एक बार रिवाइज होना चाहिए। उनके लेटर को संज्ञान में लेते हुए 29 फरवरी को यह आदेश आता है कि 1953 में से 1553 जो नौजवान हमारे साफ सुथरे हैं, जिनकी ओएमआर सीट में कोई गड़बड़ी नहीं है, उनका कम से कम सत्यापन शुरू कराया जाए 1553 नौजवानों का। और आप सोचिए कि 12 मार्च 2020 को उन नौजवानों का, 1553 नौजवानों का सत्यापन शुरू भी हो जाता है, 120 बच्चों का, 120 अभ्यर्थियों का सत्यापन हो भी जाता है। ठीक उसके बाद कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल के बाद 20 जून को उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 के अभ्यर्थियों को सरकार की वेबसाइट से सूचना मिलती है कि 20 मार्च से ये सरकार उस भर्ती पे एसआईटी जांच चला दी। ये सूचना आपको 20 जून को दे रही सरकार। आप सोचिए किस तरीके से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं आप। उसके बाद एसआईटी की जांच दिसंबर 2020 में पूरी होती है और उस जांच में क्या हुआ, क्या निकला, किसी को कुछ जानकारी नहीं। और अभी ठीक कल एक कि सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया, नौजवान विरोधी फरमान जारी किया, और सरकार ने कहा कि जो भी भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निकली थी वो भर्ती निरस्त की जाती। आपने कमरे में बैठ के अधिकारियों के दम पे आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ एक फैसला ले लिया। आदित्यनाथ जी, आपने कतई एक बार नहीं सोचा कि इस भर्ती को भरने के लिए लाखों नौजवानों ने अपना नौकरी छोड़ दी, अपनी तमाम परीक्षाएं छोड़ दी। और 2017 में चुनाव से ठीक पहले आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों से हर साल 13 लाख नौकरियां देने का वादा किया और सरकार ने दावा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 5 सालों के अंदर 70 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। लेकिन सत्ता में बैठते ही हमने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदित्यनाथ जी के उस बयान को कोट किया कि किस तरीके से आदित्यनाथ जी सत्ता में बैठते ही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बहुत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं। आज सरकार की नालायकी का प्रमाण पत्र देने के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नालायकी का प्रमाण पत्र देने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आप सबके बीच में हो रही है। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी की एक भर्ती आई थी और जब भर्ती आई तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दूसरी भर्ती थी, दूसरे नंबर की भर्ती थी। और इस सरकार में 2017 से 2020 तक कुल 12 भर्तियां निकाली गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। आपको जान के हैरानी होगी कि 28 अगस्त को इस भर्ती का परिणाम आता है जो 1953 पदों के लिए निकाली जाती है और 1953 पदों की इस भर्ती के लिए लगभग 14 लाख नौजवानों ने आवेदन किया। अगर एक नौजवान ने सिर्फ परीक्षा फॉर्म से भरने को लेकर परीक्षा फॉर्म देने तक मात्र 2000 रुपए खर्चा किया होगा तो इस सरकार को नौजवानों ने 280 करोड़ रुपए उनके खाते में डालने का काम किया सिर्फ एक भर्ती से। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच उपस्थित है। यह विषय उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक खबर पढ़ी होगी, कई सारे मीडिया हाउसेस ने उस खबर को चलाया भी, जिसमें सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये दावा
चार वर्ष पूरा होने पर सरकार के कार्यकाल के, यह था कि इस सरकार ने पिछले चार वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां जो है दे दी। अच्छा, लफाजी करनी हो, जब मन का लड्डू खाना हो तो फीका क्यों खाना, कुछ भी बोल दीजिए आप। अपने नकारेपन का, अपने निकम्मेपन का उत्सव मनाने में मशगूल ये सरकार भूल गई कि 1.5 करोड़ चार साल में लगभग 1440 दिन होते हैं, औसतन पर डे 10,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं आप। मतलब बच्चा पैदा हुआ नहीं अस्पताल में कि आपने उसको जबरिया पकड़ के नौकरी पकड़ा दी, ये स्थिति आपने कर दी, इतनी नौकरी हो गई यूपी के अंदर। तो ये कभी 1.5 करोड़ का आंकड़ा आ जाना, तो कभी 82,000 पर डे की नौकरियां देने का वायदा करना, ये नंबर आ जाना, फ्लैश हो जाना, इन सबके पीछे का जो भयावह सच है वो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज जी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की पीड़ा को आपके सामने रखेंगे। आदरणीय वंशराज जी, 2 दिन पहले खबर आई है कि 4 लाख नौकरियां हमने 4 सालों में दे दी कौशल विकास के नाम पे। आप बताइए उत्तर प्रदेश नौजवानों को कितनी नौकरी मिली है। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी 2 दिन पहले बयान दिया कि 1.5 करोड़ लोगों को हमने नौकरी दे दी। तो मुख्यमंत्री जी जो कार्यालय में बैठ के अधिकारियों के इशारे पर ये सरकार चला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इश्तिहार वाले और बयानवीर मुख्यमंत्री, जमीन पे जमीन से जुड़े हुए नहीं है। और उनको उत्तर प्रदेश के नौजवानों की पीड़ा का तनिक भी आभास नहीं है कि किस तरीके से वो उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने घर से दूर जाके इस तैयारी करता है, उसके माँ बाप के क्या क्या अरमान होते हैं। थैंक यू। रिजल्ट आता है, 1500 कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम, 1953 पदों के लिए परिणाम आता है और 29 तारीख को माननीय मंत्री जी चिट्ठी लिख देते हैं, कहते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब रिजल्ट निकलने के 24 घंटे के अंदर माननीय मंत्री महोदय ये खट से बिना किसी जांच के स्वविवेक से ये पकड़ लेते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। मतलब जो टीवी पे CID सीरियल आता है उसमें जो SCP साहब है उनसे भी तेज दिमाग इनका चलता है। अकेले ही 14 लाख लोगों ने आवेदन किया था, उन 14 लाख आवेदकों के डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं, जो 1953 का रिजल्ट आया वो चेक कर लेते हैं और भाप लेते हैं कि गड़बड़ी हुई है, और भापने के बाद एक चिट्ठी लिख देते हैं और उस चिट्ठी के आधार पर सब कुछ टंग जाता है। तो ये सीधे सीधे खिचड़ी बन रही है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसलिए भी ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि जो शेष 12 भर्तियां हैं जिनमें 51 लाख बच्चों का भविष्य, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, उसकी जांच कराना बेहद आवश्यक हो जाता है। जांच हो कैसे हो भाई, हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई जाए, समय सीमा तय हो कि 6 महीने के अंदर 9 महीने के अंदर ये SIT तमाम भर्तियों की जांच करके अपना रिजल्ट पब्लिक डोमेन में और सरकार को सौंप दे, ये किया जाए। और उस पूरे प्रकरण के दौरान जिन भी विभागों के संबंध ये भर्तियां हैं उनके मंत्रियों को या तो बर्खास्त किया जाए, इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि सीधे सीधे मंत्री महोदयों का इसमें रोल दिख रहा है, वो अपने पदों पे बने रहकर इस जांच को निश्चित रूप से प्रभावी करें। तो ये दो चीजें तुरंत हो तब तो सरकार की मंशा पे एक बार विश्वास करने को उत्तर प्रदेश का नौजवान राजी भी होगा, अन्यथा सीधे सीधे यह माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार टॉप टू बॉटम इस घोटाले में संलिप्त है।